yesterday. There was sun and there was rain. Beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इवनिंग रूटीन। और सबसे पहले ना, कपड़े रखे हुए थे मेरे पास और वो मैं वॉशिंग मशीन में डाल रही हूँ वॉश होने के लिए, वॉश करने के लिए। अच्छा, आज के दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतना बुरा हाल हुआ हुआ था। पिछला वीक जो है ना, वो बस इस तरह से है कि ठंडे पानी से शावर ले लेके गुजारा, क्योंकि वैसे तो गर्मी है, इतनी ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गर्मी होना बड़ी अनयूजुअल बात है। और उसके अलावा ये है कि फिर फ़ैन के बगैर, मतलब एसी तो खैर यहाँ पे बहुत दूर की बात है। मैं उस दिन उस्मान को कह रही थी, उस्मान मुझे याद है एसी भी होते हैं बिल्कुल ही भूल गए हैं, लेकिन फ़ैन के बगैर खैर काफ़ी मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से आज फिर जो है ना, आज से बारिशें जो है वो स्टार्ट हो गई और मौसम जो है वो बड़ा माशाल्लाह से अच्छा हो गया। लेकिन इस टाइम पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप आ रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी हुई हुई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉइल जो है वो मैं चेंज कर रही थी, और इतना जल्दी तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन यह है कि मैंने सोचा कि मैं चाय बनाने से पहले ये काम कर लूँ, फिर उसके बाद जो है बैठ के आराम से मैं चाय पीऊँगी। व्लॉग भी मैंने एडिट करना था, और कभी मैं रात को कर लेती हूँ, ये ज़्यादातर काम मैं इस तरह से रात को कर लेती हूँ, कुछ मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और आज मैं लंच नहीं कर रही हूँ, मैंने सुबह के टाइम जो है ना वो नाश्ता कर लिया था काफ़ी सुबह 6 बजे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो उस्मान आ जाएंगे, फिर चाय के साथ कुछ ना कुछ खा लेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल चाय के साथ जो है वो बिस्किट्स खा रही हूँ, और साथ साथ मैं चाय का कप लेके अपना व्लॉग जो है वो एडिट कर रही हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप किस में एडिटिंग करती हैं, तो मैं फिल्मोरा में करती हूँ। जो YouTube पे हैं उनको पता होगा, तो मुझे मतलब ये क्वेश्चन काफ़ी आता है और मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन खैर आज मैंने सोचा मैं दोबारा से बता दूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे दोबारा चाय पी के मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा था कि मैं बनाती हूँ आज कपकेक्स, वैसे तो मैं ज़्यादातर केक बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़े से डिफरेंट जो है ना वो मैं बनाऊँ। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं कर रही हूँ, और अभी थोड़ा सा टाइम था, मैंने चाय पी ली थी, उस्मान के आने में थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो इतने तक मैं किचन की जो डेली की क्लीनिंग होती है ना, मतलब ये वीकली या मंथली नहीं है, ये डेली की क्लीनिंग है, तो इस तरह से बस मैं चीज़ें जो है वो साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी भी बनती है, फिर हमारा जो पाकिस्तानी खाना होता है आपको पता है कि उसमें से ऑयल भी इस तरह से जो है ना वो होता है उसमें, तो ये सारे कैबिनेट्स जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इन पर ऑयल आ जाता है, इनका कलर भी ख़राब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं मुझे इसी तरह से इसी हालत में, मतलब यहाँ पे ये मिले थे तो इनको बहुत ज़्यादा तो मैं इस तरह से नहीं रगड़ सकती हूँ, या इस तरह से इनको बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं कर सकती हूँ, तो मैं बड़े प्यार से स्प्रे करके इनको क्लीन करती हूँ, क्योंकि वाइट कलर है, फिर वाइट कलर पर थोड़े से ज़्यादा ही जो है ना वो नज़र आते हैं। किचन क्लीनर का जो स्प्रे होता है पहले मैंने वो किया, उसके बाद मैंने टूथब्रश जो होता है वो मैं किचन में रखती हूँ, बहुत काम आता है क्लीनिंग में, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों में, तो उससे मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद जो है ना मैं इस तरह से वाइप लेके, एक जो स्पंज वाइप होता है ना ये लेके, और इस तरह से इसको साफ़ कर रही हूँ, और माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना वो अच्छे क्लीन हो गए, और थोड़ा बहुत जो क्लीनर था वो नीचे भी गिर गया था, तो मैंने सोचा कि मैं ये भी सारा साफ़ कर लूँ। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कपकेक्स, और कपकेक्स मैंने आपको बताया कि मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कम क्यों बनाती हूँ कपकेक्स। मफिन्स हो गए, मफिन्स का ये होता है कि ये ज़्यादातर ना बच्चों को अच्छे लगते हैं, या अगर आप डिफरेंट वैरायटी में बनाना चाहें फिर सही रहते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ, स्पेशली जो मैं कुकिंग करती हूँ या मैं बर्तन भी खुद वॉश करती हूँ, तो मेरा ये होता है कि मुझे केक या इस तरह की चीज़ें ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा डिफरेंट बना लेते हैं और फ्लेवर्स भी आ जाएंगे, और उस्मान को भी दे देती हूँ मैं लंच में, उसके अलावा मैं ख़ुद भी चाय के साथ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। दो मैंने यहाँ पे एग्स लिए हैं, और दो अंडों को आप अच्छी तरह से बीट कर लें,
आप इसको ब्लेंडर में भी बना सकते हैं, बस मैं आपको हमेशा यही बात करती हूँ, मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ मैदे का जो कंटेनर है इसको भी मैं रीफिल कर रही हूँ। अंडों को अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया, इतना बीट किया कि आप देखें क्रीम सी बन गई है। अब इसमें मैं आधा कप जो है वो ऑयल का डाल रही हूँ, और ऑयल आपने देखा है जो कुकिंग ऑयल मैं खाना बनाने में यूज़ करती हूँ मैं वही डाल रही हूँ। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी में, लेकिन मैं जो है वो सिंपल ऑयल के साथ बनाती हूँ, ज़्यादातर घर में ये अवेलेबल होता है तो मैं बना लेती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। डेढ़ कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैदे के, और इसमें मैं डालूँगी 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, और इसमें बिल्कुल 1 चुटकी 1/8 कह दें या 1/4 कह दें आप टीस्पून में डालूँगी बेकिंग सोडा। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल के और इसको छान लूँगी। आप केक्स बनाते हैं, कपकेक्स बनाते हैं, मफिन्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो आप कोशिश करें 2-4 बार ज़रूर इसको छान लें। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि लंच बॉक्स के लिए या बच्चों के लिए भी आप कुछ शेयर करें, तो आप ये जो मफिन्स बनते हैं या कपकेक्स आप इसको कह सकते हैं, वैसे तो मफिन्स ही हैं, तो आप इनको ना बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत खुश होंगे। और इसमें से आप या तो दो तरह से आप ये बना सकते हैं, 2 टेबलस्पून आप निकाल के इसमें आप डाल दें कोको पाउडर के, अदरवाइज़ ये है कि कोको पाउडर 2 टेबलस्पून लेके आप उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें, वो अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये है कि इस तरह से ना मतलब एक ही बैटर से आप बहुत सारे वैरायटी में मफिन्स जो है वो बना सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से मैं छान रही हूँ, और मैंने क्वांटिटी वही डाली है जो आपको बताई थी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और छान रही हूँ। यहाँ पे जो मेरा बैटर है वो अच्छी तरह से क्रीमी सा बन गया है, तो इसमें मैं 1 कप डाल रही हूँ चीनी के। चीनी जो घर में होती है मैं वही डाल रही हूँ, मोटी चीनी है तो आप ग्राइंड कर लें, अगर आपके पास पतली वाली है तो एज़ इट इज़ डाल दें, ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज जो मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास ट्रे भी है जो कि मफिन्स के लिए कपकेक्स के लिए होता है, और उसके साथ ये है कि मेरे पास छोटे वाले सिलिकॉन के जो हैं वो भी हैं। तो आज मैं एक तो एक्सपेरिमेंट ये भी करना चाह रही थी, इसमें तो खैर बहुत अच्छे बनते हैं, इसमें मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ, इसमें शेप बिल्कुल ख़राब नहीं होती, लेकिन जो सेपरेट सिलिकॉन वाले मिलते हैं ना उनको मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत शेप जो है ना वो ख़राब हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप से थोड़ा सा कम दूध, थोड़ा सा येलो कलर डाला है, थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है, और ये है कि ये वनीला फ्लेवर हो जाएगा उसके साथ। इसके साथ मैं सेपरेट चॉकलेट वाले भी बनाऊंगी, और जो ज़ेब्रा वाले होते हैं इस तरह से डिफरेंट जो मिक्स हो के आता है ना वनीला और चॉकलेट का फ्लेवर, तो वो भी आ जाएगा। तो अगर आप ये बच्चों के लिए बनाएं या वैसे बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं, हम दोनों तो बड़े हैं लेकिन बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा जी, तो सारा बैटर बन गया, उसके बाद जो मैदा छान के रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके डाल के आप इसको हाथ से मिक्स कर लें या इस तरह से मिक्स कर लें, दोनों तरीके से जो है आप इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रीमी सा फ्लफी सा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है ना वो स्पैचुला चलाना है। मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है, लेकिन इस स्टेज पे बिल्कुल केक को आपने या मफिन्स को या कपकेक्स को जो भी बनाते हैं जो आपका बैटर होता है उसको बैठने नहीं देना आपने। आप देख सकते हैं कितने अच्छा ये आपको भी देखने में लग रहा होगा। तो ये ऐसी स्टेज होती है कि इस पे आपने बहुत ख्याल करना है। ओवन को प्री हीट कर लें आप 170 पे आप कर लें। मफिन्स हो गए या इस तरह के जो आप कम क्वान्टिटी में बनाते हैं ना तो ये बहुत जल्दी बेक हो जाते हैं, हार्डली 12 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन आपने ओवन का टेम्परेचर देखना है। मुझे कल परसों भी काफ़ी कमेंट्स आए थे कि हमारा केक जो है वो बीच से बैठ जाता है या फूलता नहीं है या ख़राब हो जाता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले तो आप जो है ना इसको अच्छी तरह से ये इसका बैटर बनाएं, दूसरी बात ये है कि ओवन का टेम्परेचर और टाइमिंग्स बहुत काउंट करती हैं। अच्छा जी, तो ये मैं थोड़े से प्लेन बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया वैरायटी थोड़ी सी आज ज़्यादा देंगे, और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ 2 अंडे हैं और इसमें 1.5 कप मैदा है, और इसमें आधा कप जो है वो ऑयल का है, 1 कप चीनी का है, और आप देखें दूध भी मैंने डाला था, सॉरी वो मैं शेयर करना भूल गई थी, आधा जो कप है ना आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने दूध भी डाला था।
मैंने बेक होने के लिए रख लिया, टाइमर सेट कर लिया, मतलब 15 मिनट लगते हैं, 12 से 15 मिनट। और उसके बाद जो है ना, अब मैं जो मिक्सचर बैटर मेरे पास है, तो मैंने कोको पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून, और इसमें मैं ये डाल रही हूँ, पूरा नहीं डाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। और आप देख सकते हैं दूध डाल के आपने 2 से 4 टेबलस्पून, देख लीजिएगा किस क्वांटिटी का या किस तरह से आपका कोको पाउडर है, तो उसमें आपने जो है ना, बिल्कुल जो बैटर हमने 2 लिए हैं ना, इनकी सेम जो है वो आप देखेंगे टेक्सचर इनका सेम होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ, ताकि ये है कि ये बिल्कुल सेम हो, क्योंकि अभी हमने चॉकलेट वाले भी बनाने हैं और इनको मिक्स करके चॉकलेट और वनीला वाले भी बनाने हैं, तो इसलिए मैंने सब जो ये बैटर है इसको एक साथ नहीं किया चॉकलेट के साथ, इसको मैंने 2 डिफरेंट फ्लेवर्स में रखा है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता रही थी कि ये जो सिलिकॉन वाले होते हैं ना, जो ये इस तरह से हम कपकेक्स या मफिन्स बनाते हैं, तो इसका एक ये है कि इनमें शेप ख़राब होती है। मैंने एयर फ्रायर में भी रखे, आज मैंने इस ट्रे में भी रख के देखे, तो ये है कि इनकी शेप थोड़ी सी लूज़ होती है, थोड़ी सी ख़राब होती है, तो ये एक प्रॉब्लम है। हालाँकि जो मैंने दूसरे वाले बनाए थे, जो दूसरे वाला आपने पिंक वाले पैन देखा है, तो उसमें कभी भी ख़राब नहीं होते, लेकिन इसमें जो है ना वो ये होते हैं। मैंने आज भी एक्सपेरिमेंट किया, आज भी इस तरह से थोड़ी बहुत हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। खैर ये है कि ये तो हम ही खा लेंगे घर में, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम इनके साथ होता है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप कोई भी कप केक का ट्रे लेते हैं या मफिन्स का ट्रे लेते हैं, तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके चॉकलेट वाला डालें, थोड़ा सा वेनिला वाला डालें, और कोई इसमें ख़ास ऐसी बात नहीं है कि पहले कौन सा डालना है बाद में कौन सा डालें, आप थोड़ा थोड़ा करके दोनों डालें, और बाद में जो है ना आप कोई भी टूथ पिक ले लें, आप केक टेस्टर ले लें, कोई भी इस तरह से ना आप उसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि बड़ा मज़े का चॉकलेट और वेनिला का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कुछ चॉकलेट वाले भी बना रही हूँ, क्योंकि चॉकलेट वाले हो गए या ब्राउनी हो गई, इस तरह की चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो आप देख लीजिएगा जो टेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो आप वो वाला बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, और अच्छे खासे माशाल्लाह से बन जाते हैं, आप देख सकते हैं अच्छे खासे जो है ना वो रेडी हो गए। इन सबको मैंने फिल कर लिया, और यहाँ पे टूथपिक ले लें, अगर आपके पास ऐसा कोई टेस्टर नहीं है। मेरे पास टूथपिक जो है ना वो घर में आज खत्म हुई हुई थी, तो केक टेस्टर से इस तरह से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथ से जो है आप लेफ्ट राइट बस इसको इस तरह से मूव कर लें। और हाँ, इनको आपने फुल जो है ना वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि इनमें बेकिंग पाउडर भी है, बेकिंग सोडा भी है, तो ये राइस होंगे, तो आपने ना इनको आधे से थोड़ा सा ऊपर फिल करना है, उससे ज़्यादा आपने पूरा भर के इसको फिल नहीं करना। तो बस जी, इनको अब मैं फाइनल करके, और वो वाले रेडी हो गए, और इनको जो है ना अब मैं रख रही हूँ ओवन में। आज शदीद गर्मी थी, बुरा हाल हुआ हुआ था, लेकिन शुक्र है कि ये बड़े अच्छे जो है ना वो रेडी हो गए। साथ साथ यहाँ पे जो बर्तन हैं वो भी मैं वॉश कर रही हूँ। शाम के टाइम ये होता है कि कपड़े तो खैर मैं हर वक्त नहीं करती हूँ, जाहिर है, मतलब कि जब जमा होते हैं तभी मैं वॉश करती हूँ, लेकिन बर्तन जो होते हैं ना वो इस टाइम पे मैं काम भी कर रही होती हूँ, साथ साथ ये सारे काम जो है बर्तन वॉश करने के, और ये वाले मेरे इस टाइम पर हो रहे होते हैं। तो ये देखें जी, ये हो गए हैं रेडी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं। केक टेस्टर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये जब बिल्कुल क्लीन निकलता है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल सही बेक हुए हैं। और ऐसी आप कोई भी चीज़ बेक करते हैं ना, केक्स, मफिन्स, कपकेक्स, तो इनको थोड़ी देर के लिए रख लिया करें, लेकिन ये मैं आपको बता रही थी कि इसमें मैं बस इसके बाद इनको और तरह से खैर हम यूज़ कर सकते हैं, ये जो सिलिकॉन के मोल्ड्स हैं, लेकिन इनमें शेप जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब होती ही होती है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये अब मैं थोड़ी देर के लिए रैक पे रख लूँगी, और मैं बाहर जा के बैठूँगी, ज़रा उस्मान के साथ चाय पीऊँगी, गपशप लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी हालत जो है ना वो ख़राब हो गई थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मैं कल मुलाकात करूँगी। तो बस ये अभी आपको मैं फ़ाइनल लुक जो है ना वो इसकी पहले दिखा दूँ। तो ये जो है ना अभी थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तो सिलिकॉन वाले वैसे भी आराम से जो है ना वो बाहर निकल आते हैं। तो ये देखें, ये जो मैंने पहले बनाए थे ये वो वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।